हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कुछ टॉक में। आज का वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग बीबॉस में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक बहुत बड़ा खुलासा करूँगा और बहुत बड़ा स्कैम का पर्दाफाश करूँगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्कैम का शिकार होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की बटन क्लिक करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए घंटी की बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि बी बॉस में एडमिशन वही लोग लेते हैं जो सीबीएसई से या तो फेल होते हैं या सीबीएसई से कंपार्ट लगा होता है या फिर अन्य किसी बोर्ड से, यानी कि आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड से जो लोग फेल होते हैं या फिर मार्क्स को इम्प्रूव करवाना चाहते हैं वो लोग बी बॉस से एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को पता होगा। तो जो लोग भी बी बॉस में एडमिशन लेते हैं तो उनके साथ एक स्कैम हो जाता है। वो क्या स्कैम है वो मैं आप लोग को बताऊँगा, आप लोगों को पूरा चैट पढ़ के बताऊंगा। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कुछ स्टूडेंट्स का चैट का, वो आप लोगों को मैं एक एक करके दिखाऊंगा। कम से कम 7-8 स्टूडेंट्स का मैं आप लोगों को चैट दिखाऊंगा, उन लोगों ने क्या बोला है इस बारे में, उनके साथ कैसा फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोगों को पता हो कि बी बॉस का जो एडमिशन है उसका प्रोसेस क्या होता है वो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि कुछ कोऑर्डिनेटर ऐसे होते हैं जो 15-20 हज़ार डिमांड करते हैं और पैसे लेकर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोग का वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ठीक है, मान लीजिए आप लोग का उन लोगों ने जून 2024 के सेशन में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा ही नहीं है। एग्ज़ाम फॉर्म जब भरने का डेट था वो लोगों ने ध्यान नहीं दिया और एग्ज़ाम फॉर्म भरा ही नहीं। और अब क्या है, अब स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं कि मैंने ध्यान नहीं दिया, कुछ टेक्निकल इशू आ गए, ये सब बहानेबाजी कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स उनके जाल में फंस जाए और उसके बाद वो लोग उसका एडमिशन दिसंबर 2024 में करवा दे। एग्ज़ाम फॉर्म वो लोग को दिसंबर 2024 में डलवा दिया जाता है। तो आप लोग इस फ्रॉड से बचिए। देखिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ स्कैम। आप लोग ध्यान से एक एक चैट पढ़िएगा जो मैंने एक हर स्टूडेंट से बात किया है। देखिए, एक स्टूडेंट्स को मैंने क्या बोला, बस रजिस्ट्रेशन हुआ होगा आपका इसलिए आप लोग का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, रजिस्ट्रेशन नंबर रॉन्ग बता रहा है, अब कोई उपाय है तो बताइए। मैंने बोला एडमिशन गलत आदमी से करवाए होंगे, बहुत लोग एडमिशन रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भरते ही नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ है, अब कुछ नहीं होगा, बोले अब दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम फॉर्म भर देना। ठीक है, ये पहला स्क्रीनशॉट है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स का मैं दिखाता हूँ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है। तो वो बोला नहीं एग्ज़ाम फॉर्म भी भराएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद एग्ज़ाम फॉर्म भी भराता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं और बहुत सारे कोऑर्डिनेटर ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के बाद, एडमिशन के बाद एग्ज़ाम फॉर्म भी भराता है। एग्ज़ाम फॉर्म भरे बिना आप लोग का एडमिशन हो ही नहीं सकता है। आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म एग्ज़ाम से 2-3 मंथ पहले भराता है, कम से कम 2 मंथ तो ज़रूर पहले। ठीक है, और बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले ऐसे हैं जिनको कुछ आइडिया ही नहीं है बी बॉस का, और बी बॉस के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनसे एडमिशन करवा लेते हैं। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग एडमिशन सही जेन्युइन लोगों के पास से ही करवाइए जिनको कुछ आइडिया हो बी बॉस के बारे में। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे एडमिशन करवाना है, किन से करवाना है। देखिए क्या बोल रहे हैं, वो बोला ही नहीं, उसको पूरा जानकारी नहीं होगा स्टूडेंट्स का, ये आप लोग को मैसेज पढ़ के बता रहा हूँ। इसलिए बोलता हूँ किसी से एडमिशन नहीं करवाने, जिनको आइडिया है उनसे करवाइए। मुझे नहीं मालूम था, क्या दिसंबर का फॉर्म आप भर सकते हैं, हम बोले हाँ भर सकते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हो गए। अब तीसरा स्टूडेंट्स देखिए, इसको क्या किया है कोऑर्डिनेटर, एक फ़ोटो भेज दिया है, ये पेपर का कटिंग भेजा है। हम बोले आपका तो एडमिशन 2023 का ही है, वो एग्ज़ाम फॉर्म आपका ना दिसंबर 2023 में भरा और ना ही जून 2024 में भरा है आपका, यानी कि इस स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन फॉर्म ना दिसंबर 2023 में भरा है, सिर्फ एडमिशन करके छोड़ दिया गया है और ना जून 2024 में भरा है। तो अब आप लोग यानी कि आप दिसंबर 2024 में ही एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। ये तो एक तीसरे स्टूडेंट्स का। देखिए अगला स्टूडेंट्स का क्या दिक्कत है, ये बोल रहे हैं कि ऐसा सही में होता है कि एडमिट कार्ड, देखिए बहाना क्या क्या बनाते हैं कोऑर्डिनेटर लोग या फिर साइबर कैफे वाले कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, ये सब बहानेबाजी है। ठीक है, सबका एडमिट कार्ड आ चुका है, जिसका भी एग्जामिनेशन फॉर्म भराया है, जिसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, सबका एडमिट कार्ड आ चुका है। बहुत सारे कोऑर्डिनेटर ऐसा बहानेबाजी करते हैं कि मेरा टेक्निकल इशू है, बी बॉस के ऑफिस जाके पता करना पड़ेगा, ये सब बहानेबाजी है। अगर उन्होंने टाइम पर रजिस्ट्रेशन किया होगा और दूसरी बात एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा तो आपका एडमिट कार्ड आना 100% श्योर है। तो देखिए इसके साथ वही हुआ, यही चीज़ किया है। ठीक है, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर जो है भूल जाते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ पैसा लेने सिर्फ पैसा लेने के टाइम वो लोग प्यार से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, लेकिन जैसे ही उनको पैसा मिल जाएगा सारा कुछ, तो वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और स्टूडेंट्स क्या है,
मैंने बीबॉस में सब्जेक्ट चेंज करवाया था, आईडी कार्ड में जून 24 शो कर रहा है, लेकिन डमी एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो मैंने क्या बोला कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा आया शायद, ठीक है दिसंबर 24 वाला में भराएंगे वो एग्ज़ाम, ऐसे ही बोले होंगे। तो वो क्या बोल रहा भैया, अब एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं हो सकता क्या कुछ फाइन के साथ? मैंने बोला नहीं, अब डमी एडमिट कार्ड आ चुका है, अब एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं हो सकता। इनके साथ भी वही हुआ, इनका रजिस्ट्रेशन हो गया, एडमिशन हो गया, लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेटर है या फिर जो साइबर कैफे जहाँ से भी ये एडमिशन करवाए होंगे वो लोगों ने, इनका भी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया क्योंकि इनका एग्जामिनेशन फॉर्म भराया ही नहीं है। आगे देख लीजिए, मैंने क्या बोला एक स्टूडेंट्स को जिन्होंने खुद से ट्राई किया था, उनको क्या बोला, तुम रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए हो, एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए ही नहीं हो। तो वो अभी फॉर्म फिल करने जा रहा था तो डेट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मैंने बोला दिसंबर का 24 का फिल नहीं हुआ ना, तो उसने बोला कि नहीं नहीं हुआ है। बोला क्योंकि डमी एडमिट कार्ड आ गया है, दिसंबर का फॉर्म ही भराएगा आपका, यानी कि इसका भी जो एडमिशन था वो जून 2024 का था, लेकिन ये एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए तो ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे जून 24 में। ऐसा एक नहीं अनेकों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जून 24 में एडमिशन तो ले लिया है, चाहे वो खुद से लिया हो, चाहे कोऑर्डिनेटर के थ्रू लिया हो, चाहे साइबर कैफे के थ्रू लिया हो, लेकिन उनका जो है वो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा जून 2024 में, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया है, या फिर उसके कोऑर्डिनेटर ने फॉर्म फिल नहीं किया है, या फिर जो साइबर कैफे से एडमिशन करवाया था उन्होंने फिल नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया गया है। इन सभी से बचने के लिए, देखिए आप लोग चैट आराम से ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ उसके करने के लिए। इन सभी से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना है वो देख लीजिए आप लोग। अगर आप लोग को बीबॉस में एडमिशन चाहिए, आप लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की जिम्मेवारी, आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जिम्मेवारी, आप लोग को स्टडी मटेरियल PDF में दूंगा मैं, डमी एडमिट कार्ड खुद से डाउनलोड करके आप लोग को दूंगा, जो भी करेक्शन करना होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड मैं खुद से करके दूंगा आप लोग को, जो भी आप लोग को एडमिट कार्ड आएगा, सारे क्वेरीज का मैं आप लोग को आंसर करूंगा, हर एक मैसेज का रिप्लाई करूंगा, जो भी आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, जो लोग भी मुझसे एडमिशन करवाते हैं टाइमली मैं रिस्पॉन्स करूंगा, यानी कि अगर आप लोगों ने आज मैसेज किया है तो आप लोग को आज ही रिप्लाई मिलेगा। आप लोग जानते होंगे यूट्यूब पर भी मैं सब लोगों को रिप्लाई करता हूँ, टेलीग्राम पर भी मैं सब लोगों को टाइमली रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। ऑल अपडेट्स ऑन टाइम, यानी कि सभी आप लोग को अपडेट जो है वो आप लोग को टाइमली मिलेगा। कैसे मिलेगा, आप लोग मुझे मैसेज कीजिए पर्सनली टेलीग्राम पर, आप लोगों को जिन लोगों को भी एडमिशन करवाना है दिसंबर 2024 सेशन में, अभी दिसंबर 2024 सेशन में एडमिशन चालू है बी बॉस का, देखिए मैं दिखा देता हूँ, मात्र 15 तारीख तक डेट है, देखिए यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पर दिसंबर 2024 में 10th और 12th में पंजीकरण हेतु यानी कि एडमिशन नामांकन रजिस्ट्रेशन हेतु 15 सितम्बर तक डेट बढ़ा दिया गया है, यानी कि 15 सितंबर तक आप लोग को एडमिशन लेने का चांस है, आखिरी मौका दिया गया है, आप लोग दिसंबर 2024 में ले लीजिए एडमिशन और अपना साल बचा लीजिए, वरना आप लोग अगर 15 तक एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप लोग को जून 2025 में डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर आप लोग को अगर एडमिशन लेना है तो आप लोग कहाँ मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, आप लोग मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं @kushal_KL, इस ID पर आप लोग को मैसेज करना है कि सर मुझे एडमिशन लेना है दिसंबर 2024 में, सारी जिम्मेवारी मेरी होगी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना हो, चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म भरना हो, और साथ ही में मैं आप लोग को स्टडी मटेरियल भी PDF में प्रोवाइड करूंगा, जो कोई लोग भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, पैसा भी आप लोगों से ले लेंगे 10-15 हज़ार रुपये और कुछ प्रोवाइड भी नहीं करते हैं, ना कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, ना बात करते हैं, ना रिप्लाई करते हैं, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कंप्लेन किया है, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर ऐसा ही करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइबर कैफ़े में जाके अपना एडमिशन करवा लेते हैं, लेकिन उनको पता ये नहीं है कि साइबर कैफ़े वाले को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है बीबॉस बोर्ड के बारे में, तो वो लोग बस एडमिशन करके छोड़ देते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरते हैं। तो आप लोगों को ये सब से बचने के लिए आप लोगों को कहाँ आना है, मेरे पास आप लोग को मैसेज करना है @kushal_KL, इस पर आप लोग को टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करना है कि सर मुझे एडमिशन लेना है, मैं आप लोग को सारा चार्जेस बताऊँगा, कैसे आप लोग को डॉक्यूमेंट सब भेजना है वो भी मैं बताऊंगा, आप लोग को बस डॉक्यूमेंट भेज देना है और पेमेंट कर देना है, उसके बाद सारी जिम्मेवारी मेरी, आप लोग को मैं PDF दे दूंगा सारा कि आप लोग का एडमिशन हो गया है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया है, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देता रहूँगा। तो आप लोग को मुझे कुछ नहीं करना है, आप लोग को बस मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले आप लोग को अपडेट देता हूं, तभी मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं। आप लोग को ये देखने को मिल रहा होगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है कुश टॉक के ही नाम से। आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है कुश टॉक, टेलीग्राम पर जैसे ही आप लोग कुश टॉक सर्च करेंगे तो आप लोग सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, उस पर आप लोग को ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा, आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या फ़ायदा होता है कि आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 32 कमेंट्स हैं, यहाँ पर आप लोग कोई भी सवाल अपना पूछ सकते हैं, रख सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करता हूँ, सभी लोगों को मैं रिप्लाई करता हूँ, आप लोग पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ये है टेलीग्राम का फ़ायदा। अगर आप लोग को बी बॉस से रिलेटेड कोई भी जानकारी
पूछना हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि बी बॉस में किस तरीके का स्कैम होता है, किस तरीके से लोग ठगे जाते हैं बी बॉस में, एडमिशन करवा लिए जाते हैं पैसा लेकर स्टार्टिंग में अच्छा बोलकर, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप लोग को मेरे पास आना है, मैं आप लोग को ईजिली एडमिशन करवाऊँगा। जिस भी सेशन में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं बी बॉस में, आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, सारा डॉक्यूमेंट भेजिए, आप लोग को मैं बताऊँगा, टेलीग्राम पर मैसेज करूँगा मैं आप लोग को, अपलोड कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा सारा कुछ मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा, कितना पैसा लगेगा सारा मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा। कहीं जाने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है, कुछ स्टॉक पे आप लोग बने रहिए, कुछ स्टॉक पे सारा अपडेट आप लोग को मिलेगा। और ऐसे स्कैम से बचने के लिए आप लोग मुझे मैसेज कीजिए और सभी लोगों को मैसेज कीजिए, सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए जो लोग इस स्कैम का शिकार हुए हैं, और जो लोग बी बॉस में एडमिशन लेना चाहते हैं आपके चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी हो, आप उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से आप सहमत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आप लोगों के कोऑर्डिनेटर या फिर साइबर कैफे वालों ने आप लोगों का एडमिशन तो कर दिया है लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, जिसके कारण आप लोग इस सेशन में एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। आप लोगों को कुछ बहाना वो कर रहा है कि अगले सेशन में मैं एग्ज़ाम फॉर्म भर दूंगा, आप लोग अगले सेशन में एग्ज़ाम दे पाएंगे, ऐसा कुछ बहाना किया जाता है कोऑर्डिनेटर के थ्रू, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए @kushal_KL, आप लोगों का मैं एडमिशन स्मूथली कर दूंगा, सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को स्मूथली कर दूंगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को जो भी इस स्कैम से बचना चाहते हैं और जिन लोगों को एडमिशन लेना है। तो चलिए मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।